कलिप्पा हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कलिप्पा हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, निर्गल आरोप धान पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुर्दाबाद, 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 बंद करो, बंद करो। पत्रकारों को बिना कारण के अनर्गल आरोप लगा करके जिस तरह से गिरफ्तार किया है उनको और यूएपीए जैसी सख्त धाराएं लगाई हैं, ये आतंकवादियों पर धाराएं लगती हैं, उनको इन धाराओं में गिरफ्तार करके उनके लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए हैं, ये स्वतंत्र पत्रकारिता पर तानाशाही हमला है, ये संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। जनता की, मेहनतकश लोगों की, किसान, मजदूर, आम जनता की, जो आवाज़ उठाने वाले पत्रकार हैं, जो गोदी मीडिया के जो कारनामे हैं उनको उजागर करते हैं, उन पत्रकारों को इस तरह से गिरफ्तार करना ये गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है। हम सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रपति महोदय की तरफ से, कि इनको तुरंत रिहा किया जाए और देश में स्वतंत्र पत्रकारिता, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पर हमला अगर होगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा इस देश में। ये जो है घोषित इमरजेंसी इस देश में लग चुकी है, आज पहले किसानों पर हमला, फिर मजदूरों पर हमला, उसके बाद में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार साथियों, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके ऊपर हमला किया है। आज राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है और सभी संगठन शामिल हैं, सभी पार्टियां, विपक्ष की जितनी पार्टियां सारे शामिल हैं, और हमारी एक ही मांग है कि इस प्रकार राष्ट्रपति महोदय से कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए और केंद्र सरकार को निर्देश दें किस प्रकार से है घोषित जो इमरजेंसी उसको हटाया जाए, और पत्रकार खास तौर पर जो देश की मूलभूत समस्याओं को उठाते हैं और देश का आईना दिखाते हैं वास्तव में, उनके साथ तो कम से कम पक्षपात नहीं करना चाहिए। उनके साथ जो जिस प्रकार से जो धारा लगाई है, देशद्रोह जैसी जो धाराएं हैं वो गलत हैं, इसके लिए हम उनका विरोध करते हैं। इस तानाशाह सरकार ने मीडिया के, हमारे साथियों के ऊपर जो अत्याचार किया है, मैं तो इसको अत्याचार इसलिए कहता हूँ कि प्रजातंत्र के अंदर विधानपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों को जो आईना दिखाने का कार्य करते हैं वो हमारे पत्रकार साथी करते हैं, मीडिया के साथी करते हैं। इसमें मैं विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूँ, इन तीनों पालिकाओं का सही क्रियान्वयन करने के लिए पत्रकारिता जो कि निष्पक्ष रूप से की जाती है उसका होना बहुत ज़रूरी है। ये एक प्रजातंत्र का इस हनन है जो पत्रकारों को इस तरह से ईडी और सीबीआई द्वारा छापे मार करके उठा लेना, और ये एक, मैं ये कहूँ कि ये एक किस्म से ये समझो कि अघोषित जो इमरजेंसी है वो लागू हो चुकी है और इसके विरोध में हमारे सभी फूल सिंह इंदौरा है, जो साथी गिरफ्तार किए गए हैं और जिनका ईडी का जो मोदी सरकार ने इनके ऊपर जो हमला करवाया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। उन साथियों को रिहा किया जाए और हम एटक की तरफ से बहुत ही ज़्यादा बुरे शब्दों में इस मोदी सरकार की हम बहुत ही बर्तरसना और विरोध करते हैं। जो मीडिया के साथ आज होने लग रहा है, हमारा जो चौथा स्तंभ है उसके ऊपर सरकार अपना अंटर चला रही है, अपनी अघोषित इमरजेंसी दिखा रही है। जो भी पत्रकार मोदी सरकार के सामने झुकने से मना कर देता है उसके ऊपर ईडी और जो पुलिस जो भी है, जिस तरह का भी वो शोषण कर सकते हैं पत्रकारों का, उस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र आवाज़ को दबाने की कोशिश है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे कुछ भी हो। जो सरकार मोदी के सामने घुटने टेकने से मना कर देते हैं, जो लोग सरकार उसको कुचलना चाहती है।